नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड टेंडर के ऊपर टेंडर, जैसे कहा जाता है ना कि डेट नहीं पता चल रहा है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, डेट का नहीं है, लेकिन टेंडर के बाद टेंडर आपके आते जा रहे हैं, चाहे वो आपका ASI मिनिस्ट्रियल वाला हो, चाहे आपके कांस्टेबल का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, एक एक टेंडर का इनका डेट समाप्त होता है। कंपनियां ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं करती हैं, कंपनियां अप्लाई भी करती हैं, लेकिन जो इनका एक रूल है उस फॉर्मेट में ये है कि कम से कम दो कंपनी अप्लाई करनी चाहिए। अगर दो कंपनी अप्लाई नहीं करेंगी तो फिर से टेंडर निकाला जाएगा। और इनके जो मानदंड हैं कंपनियों के लिए, तो ये आपके कहीं ना कहीं उन मानदंड पे आपके कोई एक कंपनी अप्लाई करती है, दूसरी करती नहीं है इतने कम समय में। और दूसरे में अगर करने वाला सबसे बड़ा अगर एग्जाम कंडक्ट कोई करा सकता है तो आप सभी जानते हो सही तरीके से, तो वो TCS करा सकता है। और TCS को यहाँ से बैन किया गया है। अब ये बात चल रही है कि हो सकता है कि उसको फिर से मौका दिया जाए, तो अब ये इसीलिए थोड़ा सा टेंडर में भी आप देखोगे जो पिछले टेंडर निकले थे और जो इस बार टेंडर निकल रहे हैं उनमें चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये भी झुक रहे हैं कि नहीं, अब हमें जब कंपनी मिली नहीं रही है तो ऐसा रहा तो एग्जाम ये कब कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए। तो अब जो टेंडर आया है आपके कांस्टेबल के बाद, ASI और SI के टेंडर के बाद, तीस कंप्यूटर ऑपरेटर के टेंडर के बाद, अब नेक्स्ट आपका जो टेंडर है ये जेल वार्डर का है। ठीक है, ये जेल वार्डर के लिए है, इनमें भी कंपनियों के लिए बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग तो टेंडर निकाला गया है, अब डिपेंड करता है फिर तो क्या इन सभी के लिए अलग अलग कंपनियां होंगी। देखो, बहुत कम चांसेस होता है ऐसा कि एग्जाम एक ही बोर्ड का अलग अलग कंपनी कराए। अगर फाइनल होगी ना तो जाहिर सी बात है किसी एक ही कंपनी को सभी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का दे दिया जाएगा, लेकिन सबके लिए अलग अलग बोला गया है। ठीक है कि आपको ये एग्जाम इस तरह से कराना है, क्योंकि सबके एग्जाम का मॉड्यूल अलग होगा, कोई ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, किसी एग्जाम को ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, इसी वजह से इनके टेंडर भी अलग अलग निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं जो सभी टेंडरों में आप लोग देख रहे हो, बस यहाँ बताया गया है कि इस जेल वार्डर वाले में अभ्यर्थियों की, अगर ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो बात करें कि कितने अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितने लोगों को डेटा आपको हैंडल करना है, इनके बारे में बता दिया गया कि कंपनी इसके लिए तैयार रहे। तो 6 लाख से 8 लाख तक का हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो, अगर जब इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। बाकी सब चीज़ें आपकी वही हैं जो, और 15 तारीख तक, कब, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक इनके मेल आईडी पर जो भी कंपनियां इच्छुक हैं इनके शर्तों के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद ये 10 दिन लेते हैं, अब कुछ बताते भी नहीं है कि क्या हुआ, उसके बाद से फिर से रिटेंडर देते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, अभी तक रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम नहीं हो पाया, एजेंसी फाइनल हुई कि नहीं हुई उसके भी टेंडर निकले, अब उसका भी ना रीटेंडर निकल जाए, हमको तो अभी से यही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सब कुछ वही चीज़ हिंदी में, वही आपका इंग्लिश में दिया गया। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोकस किया गया फॉर ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू एक्टिविटी एंड अदर स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जेल वार्डर मेल एंड फीमेल, अलग अलग भर्ती आपकी रहेगी। तो यहां बोला गया कि आपके जो OMR बेस्ड, बोला ना OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बेसिकली ये OMR बेस्ड ही होगा जब यहां पे फोकस, और जितने भी इसके पार्ट होंगे, जो भी क्रम DV हो गया चाहे फिजिकल हो गया, तो उन सभी के लिए आपको कहीं ना कहीं एजेंसी को आना है। इन सभी प्रोसेस के बारे में पूरे इन्होंने अपने EOI वाले में ये सब बता दिया है कि ऑनलाइन रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन, डेटा हैंडलिंग, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा ऐसा आपके सॉफ्टवेयर में डेटा हैंडलिंग का प्रॉपर होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, सब इन्होंने बता दिया है कि सर्वर आपका कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन जो भी आपका, जो भी एप्लीकेशंस के डिटेल हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि बायोमेट्रिक वाला प्रोसीजर सब सही होने चाहिए। तो वही सब चीज़ें आपको बताया गया है यहाँ पे। आपके हेल्प डेस्क जो होगा वो एक्टिव होना चाहिए, बच्चों को मदद मिल सके जो भी दिक्कतें आए फॉर्म फिलिंग में, तो ये सब कुछ बताया गया है। बाकी आप ये देख सकते हो सबका एक ही रहता है पूरा का पूरा, कि
यहाँ पर बोला गया है OMR आंसर शीट डिजाइनिंग प्रिंटिंग एंड सप्लाई, ये सब कुछ आपको इस प्रोसीजर में बोला गया, प्रिंटिंग ऑफ OMR आंसर शीट विथ बार कोड। ठीक है, पहले इन्होंने आप लोग देखे होंगे निकाले थे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का हाइब्रिड मोड कराएंगे। अब हाइब्रिड वाला टेंडर जो है ये कहीं पूरे टेंडर में हाइब्रिड का नाम नहीं है, जब से फिर से रीटेंडर जारी करने गया तो अब या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कोई एग्जाम, ठीक है, अब हाइब्रिड मोड का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो यही बात है कि जब इनके मानदंड ऐसे हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसी क्राइटेरिया लगा दे रहे हैं कि कंपनी खुद ही नहीं कोई अप्लाई कर रही है, पीछे हो जा रही है, तो इसलिए कुछ संशोधन किए हैं। तो अब उम्मीद कुछ जग रही है कि सिंपल सा अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई नया नहीं बनाए हैं कि हम हाइब्रिड मोड कराएंगे, जिस टाइप का कभी एग्जाम ही नहीं होता है उस टाइप का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो एजेंसियां कहां से इस पे आएंगी अप्लाई करेंगी। लेकिन अब चांसेस हैं कि एजेंसी कुछ ना कुछ करें, तो वेट करते हैं। बाकी जो आप लोग एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी करते रहिए, ये भी आप भी जानते हो सच्चाई है, कितना भी लेट होगा कराना तो इनको है ही, जब वैकेंसी है इनके पास तो वैकेंसी तो रद्द करेंगे नहीं, वैकेंसी आएगी। अब कब आएगी ये आपका टेंडर फाइनल, जैसे ही अगर टेंडर फाइनल हो गया तो एक महीने के अंदर सभी वैकेंसी आ जाएंगी, बस टेंडर फाइनल होने की देरी है। जिस दिन कंपनी मिल गई इनको, बता रहे हैं डेढ़ महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता है कि आपको जल्द ही एग्जाम भी करा लिया जाए जब ज़्यादा इतना लेट चल रहे हैं। तो बाकी हम लोग वेट ही करेंगे, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे सर कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में भी कुछ बता दीजिए, उसका भी वही सिनेरियो चल रहा है बच्चों, हमने साल भर से देख रहे हैं, साल भर पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो बैच ऑलरेडी हमारे यहाँ है। और अगले के लिए बच्चे बोलते हैं सर कंप्यूटर का सेपरेट बैच ला दीजिए, ये कर दीजिए, ला तो दे लेकिन पहले आपकी कंपनी फाइनल हो। कंपनी फाइनल होने में भी तीन आपके जो समय लगेगा, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होने में भी कम से कम 3 महीने या 4 महीने का समय लगेगा, उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन जिनको पहले से पढ़ना है कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच, पढ़ाऊंगा मैं ही, तो वो आपको एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। आप अपने आप को स्ट्रांग चाहते हो कि नहीं मुझे कंप्यूटर में एक भी मिस्टेक नहीं करना है, अगला बैच आएगा तो हम उससे में प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ना तो वही चीज़ें हैं, तो सिलेबस मैंने उसमें भी कवर कराया है। जो इच्छुक होंगे वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर बैच से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जो वेट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे लाइव ही पढ़ना है, तो आप वेट करिए, जब नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा तो मैं भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का मैं दावा करता हूँ कि आपके कंप्यूटर बैच को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त करूँगा। ठीक है, तो बाकी वेट करते हैं कि जब तक आपका कोई नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है, हो सकता है 15 के बाद कुछ नया न्यूज़ देखने को मिले इस बार, क्योंकि नया टेंडर है तो हो सकता है कंपनियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी कि फाइनल हो गई हैं, कुछ ऐसा आशा लग रहा है, क्योंकि पूरी इसमें चेंजेस किए गए हैं इनके EOI में। ठीक है, तो कोई भी सूचना मिलती है तो मैं ज़रूर सामने आऊँगा। और आप लोगों के भी कोई प्रश्न है जो आप लोगों को पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आपका एज रिलैक्सेशन का हो, एज रिलैक्सेशन वाले में तो देखिए बहुत दिक्कत चल रही है, कई जगह बात भी गई, न्यूज़पेपर में भी गई, तो इन्होंने साफ साफ मना किया कि वो चीज़ें जो हैं वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा अंतिम क्षण में कि क्या होने वाला है, वो किसी के सुनने वाले नहीं हैं। तो बाकी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कत हैं, समस्याएं हैं, वो आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।